तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल स्टूडियो की अपकमिंग मूवी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। अब एवेंजर्स जो कैंग डायनेस्टी है, इसमें हमें काफी सारे वेरिएंट देखने को मिलेंगे कैंग के। अब कौन कौन से वेरिएंट होने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं और बात करेंगे कैंग के टॉप 5 वेरिएंट के बारे में, जो कि पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिल सकते हैं, और उसी के साथ हम बात करेंगे उनकी पावर्स के बारे में। बट उससे पहले आज आपको इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा एजी मीडिया न्यूज के न्यू वॉइस ओवर आर्टिस्ट अमन। कैंग के टॉप 5 वेरिएंट के बारे में बताएंगे, तो अमन स्टार्ट हो जाओ। हेलो इंटरनेट, मेरा नाम है अमन और जैसा आर्यन भैया ने कहा, हम यहाँ कैंग के उन पोटेंशियल वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे जो मे बी और मे बी नॉट फेस 5 या फिर फेस 6 में अपीयर हो सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, द स्कारलेट सेंचुरियन। इस नाम से कोई धोखा मत खाना, इसका स्कारलेट विच से कोई रिश्ता नहीं। ये कैंग वेरिएंट टाइम में पीछे अवेंजर्स के शुरुआती दिनों में जाकर उन्हें किसी तरह की डायोट्री टेक्नोलॉजी का यूज करके मैनिपुलेट कर लेता है बाकी सुपर ह्यूमंस लाइक एक्समैन और इनह्यूमन से लड़ने के लिए। अगर ये कैंग वेरिएंट हमें फेस 5 या फिर फेस 6 में देखने मिलता है, देन मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, बट आई थिंक ये कमाल की पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा ओरिजिनल अवेंजर्स वर्सेस न्यू अवेंजर्स फिल्म के लिए, जिसे अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो ये एक अवेंजर्स लेवल बिग इवेंट बन सकता है, जस्ट लाइक कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नंबर 2, मिस्टर ग्राइफन। ये कैंग वेरिएंट लगातार टाइम ट्रेवल करने की वजह से टाइम स्ट्रीम में होने वाली एक गड़बड़ी के कारण खुद के दो डिफरेंट वर्जन्स में बट जाता है, जिनमें से एक वर्जन 21st सेंचुरी में ही फंस कर रह जाता है। ये वेरिएंट मिस्टर ग्राइफन के नाम से जाना जाता है, जो कि आगे जाकर खुद का टेक एम्पायर स्टैब्लिश करता है, स्टार्क टावर को खरीदता है एंड CEO ऑफ कैंग एंटरप्राइजेस बनता है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, स्टार्क टावर को खरीदता है। अगर तुम्हारे दिमाग में भी वही आ रहा है जो मैं आगे कहने वाला हूँ, देन हिट दैट लाइक बटन, मैं उसे हाईफाई कंसीडर करूंगा। सो स्पाइडरमैन होमकमिंग में होने वाली स्टार्क टावर की मिस्टीरियस सेल के बाद देयर्स अ चांस अपने केविन फाइगी भैया ऑलरेडी मिस्टर ग्राइफन को MCU में ला चुके हैं। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। नंबर 3, रामटट। कैंग का ये वेरिएंट टाइम में पीछे जाने पर होने वाली क्रैश लैंडिंग की वजह से एंशिएंट इजिप्ट में फंस जाता है, जहां कैंग काफी इजीली मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अपने जीनियस इंटेलेक्ट का यूज करके इजिप्ट पर रामटट बनकर रूल करने लगता है। रामटट के इजिप्ट से डायरेक्ट रिलेशंस होने की वजह से ये कैंग वेरिएंट एक प्राइम चॉइस बन सकता है फ्यूचर मून नाइट विलन के लिए, और स्पेशली आफ्टर फैंस आस्किंग अबाउट मिडनाइट सन्स, आई थिंक हम रामटट को MCU में काफी जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं कल इधर लिख लूं कहीं UPSC के एग्जाम में ना आ जाए। नंबर 4, आयरन लैड। अगर तुम ये सोच रहे हो मैं अचानक से कैंग के वेरिएंट डिस्कशन से आयरन मैन के वेरिएंट डिस्कशन पर कैसे आ गया, देन वेट अ सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन। मुझे ऐसा लगता है ये कैंग वेरिएंट मल्टीवर्स सागा का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर बन सकता है, जस्ट हियर मी आउट। कैंग द कॉन्करर का असली नाम नथेनियल रिचर्ड्स होता है, जो कि फैंटास्टिक फोर से रीड रिचर्ड का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। 16 साल के जीनियस नथेनियल रिचर्ड्स की लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाती है जब फ्यूचर से आया कैंग द कॉन्करर 16 साल के नथेनियल को बुलिंग से बचाता है और उसे इंस्पायर करने के लिए उसकी फ्यूचर ग्लिम्पसेस दिखाता है। सून जब नथेनियल को पता चलता है कैंग और कोई नहीं खुद की ही फ्यूचर सेल्फ है, जो आगे जाकर काफी बड़े विलेनस एक्ट करेगा, ये देखकर नथेनियल इंस्पायर होने की जगह बहुत ही डर जाता है और आयरन लैड बनकर अपनी डेस्टिनी को बदलने और बाकी कैंग्स को रोकने की कसम लेता है। अभी हाल ही में ये सुनने में आया था मार्वल ने अवेंजर्स एकेडमी के टाइटल पर कॉपीराइट लिया है, जिससे बात प्रिटी मच क्लियर हो जाती है मार्वल यंग अवेंजर्स की तैयारी कर रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, इन कॉमिक्स यंग अवेंजर्स को और कोई नहीं खुद आयरन लैड ही लीड करता है, और उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, आयरन लैड की लव इंटरेस्ट स्टैचर नाम की कैरेक्टर होती है, जो कि और कोई नहीं खुद आंटमैन की बेटी कैसी है, जिसे हम बहुत जल्द आंटमैन एंड द वैस्प क्वांटमेनिया में देखने वाले हैं। नंबर 5, किड इमोशियस। जैसा कि मैंने बताया, आयरन लैड की लव इंटरेस्ट स्टैचर नाम की सुपर हीरो कैसी होती है, जिसकी डेथ के बाद आयरन लैड अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में जाकर सभी कैंग से पावरफुल बनने का फैसला लेता है, जिसके एंड रिजल्ट में स्पॉइलर अलर्ट वो खुद एक विलन बन जाता है और खुद को किड इमोशियस का नाम देता है। खैर, अगर मार्वल सच में आयरन लैड को लाता है एंड देन इवेंचुअली उसे किड इमोशियस बनाता है, तो ये अपने आप में मल्टीवर्स सागा की वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर आर्क मानी जाएगी। सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो। तुम्हारे क्या विचार है कैंग द कॉन्करर को लेके, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, प्लीज हिट दैट लाइक बटन। अंटिल देन, सी यू, हैव अ नाइस डे।